सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट साइंस के 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो सीरीज में मैं 3000 प्लस क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस भी एग्जाम में जीके जीएस का पोर्शन आता है। तो इनमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन को कवर कर रहा हूँ जी। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरे देखिए और चैनल पे नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है। एलपीजी जो गैस हम यूज़ करते हैं अपने घरेलू की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भोजन पकाने के लिए, उसमें उसका जब रिसाव होता है तो हमें पता चलता है कि उसमें बहुत जो है वो अजीब तरह का गंध आता है। तो उस गंध के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ब्यूटेन का हालांकि मिश्रण होता है, लेकिन उसमें क्या मिलाया जाता है जो गंध पैदा करता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिल मर्केप्टाइन। एथिल मर्केप्टाइन नामक चीज़ जो है वह उसमें ब्यूटेन में मिलाया जाता है, जिस वजह से उसमें गंध आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो रबर के वल्कनाइजेशन में जो प्रयोग किया जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है रबर के वल्कनाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यह बनता है रेटिना पर। आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वह रेटिना पर बनता है, जिसको हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है, इसको आप याद रखेंगे, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आपको भी देखने को मिले हुए होंगे। तो पेनिसिलिन जो है वह कवक से प्राप्त होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है, यह भी कई बार आया हुआ है एग्जाम में। तो फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र है वह है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और 24H2O, ये आप याद रखेंगे, इसका कोड है 24H2O, से आप इसको जो है वो कोड बना सकते हैं, तो इसको याद रखिए आप। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, फिटकरी का यह फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। तो डिप्लोपिया नामक जो बीमारी है वह आँख से संबंधित है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है। तो स्याही बनाने में, इंक बनाने में जो अम्ल का उपयोग किया जाता है उसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना सल्क यानी स्केल्स वाली मछली कौन सी है, जिसमें स्केल्स नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर, मतलब जिसमें पंख नहीं होते, या फिर जिसको आप कह सकते हैं कि सल्क जो कि उनके पंख के जैसा ही काम करता है पानी के अंदर, वो कौन सी मछली में नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैटफिश में नहीं होता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन का अणुसूत्र C6H8 और O6 है। तो यह किस विटामिन का अणुसूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का अणुसूत्र क्या है, तो C6H8O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मिलाना है, हमें सुमेलित करना है कोरंडम, कैलोमीन, केराडजीडियाइट और अर्जेंटाइट का, ये चारों को हमको मिलाना है इसके फार्मूला के साथ। तो हम इसको मिलाएंगे, तो आप इसे ध्यान से देखिए, मैं इसको मैच करवा रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोरंडम का Al2O3, क्योंकि एल्युमिनियम से बनता है कोरंडम, तो एल्युमिनियम वाला ही होगा, इसमें एल्युमिनियम वाला सिर्फ एक ऑप्शन है, तो इसका डी हो जाएगा। सेकंड का होगा, अब सेकंड जो है कैलोमीन, इसका हो जाएगा ZnCO3 या जिंक का जो है अयस्क होता है कैलोमीन, तो यह जिंक वाला हो जाएगा। थर्ड का है केराडजीराइट, तो केराडजीराइट जो है वह फर्स्ट हो जाएगा, वह चांदी से बनता है, तो चांदी का अयस्क का नाम है, तो यह सी से ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और डी जो है अर्जेंटाइट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बचा हुआ लास्ट जो है Ag2S, यह भी चांदी से बनता है, तो Ag2S इसका हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको मैच कर लेंगे, अब देख लेंगे कि ए का 4 ठीक है, बी का जो है वो सेकेंड हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा और फोर्थ का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो घेंगा जो होता है, जो कि आयोडीन की कमी से यह बीमारी होता है, यह किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो यह अवटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट है सेरेबेलम, निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो सेरेबेलम जो है वो मस्तिष्क का भाग है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंसुलिन हार्मोन की खोज की है बेंटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने, तो आप इसे नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? जब प्रिज्म से किसी प्रकाश को गुजारा जाता है, सफ़ेद प्रकाश को या फिर रंगीन प्रकाश को, तो किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा, कौन सा रंग बिखर जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बैगनी, वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बिखर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजे के टीके की खोज किसने की थी? तो हैजे की टीके की जो खोज किया हुआ था उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कैसा होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वह होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, पार्ट फर्स्ट की वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखें तो उसे जाके ज़रूर देखिए, वो भी काफ़ी एसेंशियल है। सेट का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सारे सेट को करेक्ट करके रखते हैं तो जीएस पोर्शन में आप साइंस वाले पोर्शन में अच्छे मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर और कुछ नए गिने चुने जो है क्वेश्चन सारा इंक्लूड किया हूँ। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और सभी वीडियोस के लिंक दे दिए हैं, आप लोग जरूर जाके उस वहाँ विजिट कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको फ्री में मिल जाएंगे, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैरा रोग, खैरा रोग जो है वो किस फसल में होता है? तो खैरा रोग होता है धान की फसल में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। धान में खैरा रोग होता है, आप इसे याद रखेंगे, कई बार आता है। खैरा रोग का संबंध किस फसल से है? तो धान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कीगड़ा पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके बराबर? तो यह जो है वो प्रेशर का जो प्रेशर आपसे पूछ रहा है कि कितने बार के बराबर है 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानीखेत नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो रानीखेत नामक बीमारी जो है वह मुर्गियों से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र, शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी से सबसे नज़दीक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना पौधे से जो है कुनैन प्राप्त किया जाता है, जो मलेरिया के लिए काफ़ी उपयोगी है और जो है वो मलेरिया को ठीक करने में उपयोग किया जाता है इसका, तो वह पौधे के किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तने की छाल से, ऑप्शन ए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो विटामिन सी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह है वह फल है संतरा, संतरा में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो कहाँ से किया जाता है? तो इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वह होता है आईलेट्स ऑफ लंगरहैंस द्वारा, तो लंगरहैंस हमारे बॉडी के अंदर जो है वह लंगरहैंस नामक द्वीप है, वहाँ से जो है वह इंसुलिन का उत्पादन बॉडी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है? तो मलेरिया के टीके मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का वह हो जाएगा रोनाल्ड रॉस, सर रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यीस्ट और मशरूम क्या है? तो यीस्ट और मशरूम ये दोनों चीज़ जो आप देखते हैं यह एक तरह का फफूंद है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 26 का सी हो जाएगा। यीस्ट और मशरूम जो है वह एक तरह का फफूंद है, इसको आप कवक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना है? अर्थात कहने का मतलब यह है कि कलर ब्लाइंडनेस वाला जो पुरुष है उसका विवाह एक नॉर्मल लेडीज से होती है जिस लेडीज़ के माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, नॉर्मल थी, तो उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्ण जो है कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0%, ऐसा कोई संभावना नहीं है कि उसे कलर ब्लाइंडनेस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? कई बार एग्जाम आया है कि पारिस्थितिकी तंत्र यह शब्द आप जैसे ही देखें तो इसे एक वैज्ञानिक का नाम आप जरूर जोड़ के रख लें, और उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? उसका है टॉन्सले जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की जो है वह रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉब्सन, डॉब्सन किसका इकाई है जिस जो प्रयोग में लाया जाता है? तो डॉब्सन जो है 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉब्सन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्नलिखित में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो कौन सी चीज़ है जो थैलेसीमिया के रोग हो जाने से शरीर उस चीज़ को जो है संश्लेषित नहीं कर पाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया जो है ब्लड से संबंधित रोग है,
तो उसके कारण जो है वह ब्लड को जो है थक्का नहीं बना पाता है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? तो यह सबको पता होगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? मैंने आपको पिछले वाले पार्ट सेकंड वाली वीडियो में बताया है कि चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। आप नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर जाके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल में ऋषि गैस का नाम क्या है? तो भोपाल में जो गैस रिसाव हुआ था उस गैस का नाम क्या है, जहरीली गैस का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुजल क्या है? तो गुरुजल किसे कहा जाता है, ये आप याद रखें। गुरुजल कहा जाता है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन को गुरुजल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? जो फायर एक्सटिंग्विशर होती है जो आग बुझाने के काम आते हैं, तो उसमें कौन सा गैस जो है वह भरी रहती है? तो उसमें जो गैस होती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो जब चंद्र ग्रहण कौन सी परिस्थिति में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नव चंद्र वाली स्थिति में जो है वह चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे में खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे में जो खाने लायक हिस्सा है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का बी प्रकंद। यह कई बार एग्जाम में आया हुआ है, या फिर आप तना का उपयोग करेंगे। अगर तना ऑप्शन देगा तो तना को लगेंगे, नहीं तो प्रकंद को उपयोग आंसर जो है वो आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में जो गैस होती है उसका नाम है आर्गन के साथ मर्क्यूरी, उसमें जो है मर्क्यूरी का वेपर डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो यह क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है एग्जाम में कि मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़े की संख्या होती है वह होती है 12 जोड़े, और टोटल जो है वह 24 पसलियां होती है, और नहीं तो 12 जोड़े में होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज या तांबा? तो तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है, यह धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो जो संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले जो बताया था उस साइंटिस्ट का नाम है आर्थर सी क्लार्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? तो क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरा, हरा प्रकाश को क्लोरोफिल जो है वो परिवर्तित करता है, जिससे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? ऐसा कौन सा कांच है जो तापरोधी होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच जो होता है वह तापरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम उपग्रह के लिए संचार के लिए जिस तरंग का उपयोग किया जाता है उस तरंग का नाम है सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विलायकों में से कौन सा आयनिक मिश्रण को विलीन करेगा? तो आयनिक मिश्रण जो भी जितने भी होते हैं उसको विलीन कौन करता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जल में विलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा Cl2 को खोता है यदि उसे वायु में छोड़ दिया जाए? अगर उसे वायु में छोड़ दिया जाए तो उस क्लोरीन को कौन खो देता है इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि गाजर जो है, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वह विटामिन ए पाया जाता है, इसे आप याद रखें। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण किसमें उपस्थित होती है? तो लाल रक्त कण जो है वह उपस्थित होती है मज्जा में, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अस्थि मज्जा में ही ब्लड का निर्माण होता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? कोणीय दूरी को मापने के लिए दो वस्तुओं के बीच किस यंत्र का हम उपयोग करते हैं, कौन सी डिवाइस उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेक्सटेंट नामक डिवाइस यूज किया जाता है, कई एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आप इसे जरूर याद रखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में जरूर इसे शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ भी आप कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।